फ्रेंड्स, मैं आऊँ नेहरू प्लेस मार्केट में फिर से एक बार लैपटॉप लेने के लिए। ये मेट्रो स्टेशन पड़ेगा नेहरू एनक्लेव गेट नंबर 2, और यहाँ से फिर आपको सीधे जाना है इस तरफ। यहाँ पर आपको पार्किंग मिल जाएगी इस तरफ बाइक के लिए, और यहाँ पर मिलेगी गाड़ियों के लिए। और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ स्टेयर से जाना है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि शॉप का एड्रेस पर जाने के लिए किस तरह से रास्ते को फॉलो करना, तो मैं इसलिए छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ ताकि आपको आने में आसानी हो। और यहाँ से फिर इस तरफ, और यहाँ पर देख सकते हैं वो शॉप। मैं आ गया हूँ स्टोर पर। लैपटॉप दिखाना, कोई i5 6 जनरेशन और 7 जनरेशन। अच्छा भैया जी, मेरे पास नया स्टॉक आ रहा है सारा, ठीक है। अब इस पर टोटल लैपटॉप पे मैं 3 मंथ की वारंटी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कभी 7300 है, फुल टच स्क्रीन के साथ है, ब्रांड न्यू कंडीशन। सीपीयू इसका 4 i5 8 जनरेशन है, एंड रैम 16 GB है, SSD 256 है, वाईफाई 5G चल रहा है। जो GPU 620 है ना, 8 GB रैम, 8 GB DDR4 रैम, DDR4 रैम, वाईफाई 8 जनरेशन। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2020 है ना? बिल्कुल भैया। लैटिट्यूड 7300। इसका क्या प्राइस बताया आपने? इसका प्राइस भैया 30,000 रुपये। वारंटी भैया 3 मंथ की है, एंड अभी न्यू ऑफर के साथ स्टार्ट किया है। पहले 2 महीने वारंटी हम देते थे, पर कस्टमर की डिमांड थी भैया 3 महीने, तो पर मैं अब 3 महीने से स्टार्ट कर रहा हूँ। और इससे थोड़ा सा अगर कम में चले तो, जैसे ये 7390 है, दिखाना इसका मॉडल नंबर। 13.3 है, इसमें कोर i5 8 जनरेशन, 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ है। 2019 मैन्युफैक्चरिंग। इसकी कॉस्ट ओनली 22,000 रुपये। चार्जर ओरिजिनल लेंगे, 1 साल वारंटी के साथ। चार्जर की है 13 इंच है नहीं, 13.3। ये 5480 लैपटॉप है भैया, ठीक है, और बहुत सस्ता लैपटॉप है। कोर i5 7 जनरेशन है, 8 GB रैम है, 256 GB SSD है। इसकी कॉस्ट मात्र 16,000 रुपये। बहुत अच्छा लैपटॉप, इवन कंडीशन है। अच्छा, सारे पोर्ट इसके पीछे दिए गए हैं ना, लैन पोर्ट है, एक HDMI और एक USB, और यहीं पर इसका पावर कनेक्टर। 2018 मॉडल है, HP लाइट बुक आया भैया, i7 8 जनरेशन में। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं SODIMM, इसका मतलब इसमें आप 2 RAM का यूज़ कर सकते हैं। एक RAM ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है 8 GB का, दूसरा स्लॉट जिसको हम अपग्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर 24 MHz की RAM है, और यहाँ पर तोशिबा की SSD है 256 GB। ये डुअल बैंड वायरलेस वाईफाई, और यहाँ पर UHD ग्राफिक्स 620 4 GB। ये भी इम्पोर्टेड ही है ना सर? इम्पोर्ट का भी आता है। इसका प्राइस आपने क्या बताया? इसका प्राइस भैया 28,000। इसमें i5 में चाहिए भैया, तो इसका i5 का 23,000। अच्छा, इसमें टच में भी आता है? टच में भी आता है। उसका प्राइस में कितना डिफरेंस रहेगा? प्राइस में ओनली 1500 का डिफरेंस होगा। अच्छा, अगर मान लो टच माई बाई चांस खराब हो जाता है तो डिस्प्ले तो चलती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, टच खराब हो जाता है बाई चांस तो डिस्प्ले चलता रहेगा, वैसे फिजिकल नहीं होना चाहिए। ये क्या सर, ये वाला दिखाना? ये भैया 360 में है, ठीक है, 2 in 1 कोर i5 10 जनरेशन में भैया, 8 GB 256 के साथ है, 360 फोल्डेबल है, टच के साथ। चल, मॉडल है 7410। इसकी दिखाने पर क्वालिटी, इसका क्या प्राइस बताया था आपने? इसका भैया 30,000। ये अभी नया है i7 6th जनरेशन में, ठीक है भैया। यह है डेल एड्रो E7470, 8 GB रैम है, 256 GB SSD, ब्रांड न्यू कंडीशन है। इसकी कॉस्ट मात्र 19,500 रुपये की है। बैटरी कभी खराब होती है तो 2,000-2,500 रुपए की बैटरी मिल जाती है, ओरिजिनल बैटरी। उनकी लाइफ लगभग कितनी होती है? चार्जर रेगुलर लगा के रखते हैं, और रेगुलर लगा रहेगा चार्जर तो बैटरी खराब होनी होती है, बैटरी फूल जाती है। फिर चार्ज हो गया, उसके बाद निकाल चार्ज। हाँ, इसका फिंगरप्रिंट इसका काफ़ी अलग है।
तो इसका प्राइस क्या बताया था आपने? इसका प्राइस मात्र 19,500। ये i7-6 में है। i7-6 में यही कॉन्फ़िगरेशन मानो i5-6 में आ जाए तो i5-6 में आ जाता है तो मात्र 16,500। अच्छा, इसमें टच था? इसमें टच नहीं, इसमें टच नहीं। जैसे कि ये i5-7 जनरेशन लैपटॉप है और 13 इंच और इसको बहुत प्यारा लैपटॉप है, बहुत अच्छा लैपटॉप है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला लैपटॉप है। 5280 और टच स्क्रीन के साथ है। इसका प्राइस क्या बताया आपने? 16,500 में, वारंटी 3 महीने की। ये लाइट भी है, लाइट वेट है, बहुत प्यारा लैपटॉप है। अच्छा, इसमें सिम कार्ड भी है ना? बिल्कुल, सिम कार्ड का भी ऑप्शन है, या एस डी कार्ड या सिम कार्ड। ये डिस्प्ले पोर्ट है, यहाँ से आउटपुट दे सकते हैं डिस्प्ले के लिए, HDMI के अलग से डिस्प्ले। अब आ जाता है अपना डेल का लैपटॉप है, कोर i5 8 जनरेशन, 16 GB रैम, 256 GB। इसका प्राइस आपने क्या बताया भैया? इसका प्राइस भैया जी 24,000 का है। इसमें विदाउट टच में भी है भैया हमारे पास। ओके, विदाउट टच में कितना प्राइस का मुझे लेते हैं तो 20,500 का। ओके, इसका मॉडल है भैया लैटिट्यूड 5285 ना। अच्छा, यहाँ पे एसडी कार्ड लगा सकते हैं, सिम भी लगा सकते हैं, एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। और ये 4i5 7th generation है। ये मतलब एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट सरफेस की तरह ना? बिल्कुल, सरफेस की कॉपी है भैया जी, बिल्कुल। टच में i5 7th generation 3MB L3 कैश है, 1867 MB। इसमें आपने पहले ही बता रखा है रोम चिप में, इसमें हाँ रैम अपग्रेड नहीं हो पाएगा, रैम अपग्रेड नहीं हो। सैमसंग 256 GB SSD, GPU 620, 4GB। तो इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस मात्र भैया जी 20,500। और ये सब डिटैच रहता है ना? बिल्कुल। जो आप बता रहे थे कि इसमें 16 GB में भी अगर वो वाला परचेज करते तो उसमें क्या प्राइस रहेगा? उसमें भैया i7 में हमारे पास तो उसकी कॉस्ट जो है 29,500 रुपये की है। i7 है, 16 GB रैम है, 512 SSD है उसके साथ। अच्छा, और जो पिछली बार ले गया था मैं, उसमें बैग भी दिया था आपने, तो बैग है के साथ? तो आपको सबके सारे के कोई भी लैपटॉप लेने आता है तो बैग तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में माउस भी मिलेगा। अच्छा, इस बार माउस भी कर दिया? माउस भी देंगे। हमारे कस्टमर भाई लोगों की डिमांड थी 15 इंच लैपटॉप की। अच्छा, जैसे i7 लैपटॉप आया हुआ है 15 इंच में। ये फिंगरप्रिंट है ना? हाँ, ये फिंगर के साथ है। इसमें भी i7 6th generation 8 GB रैम है, 256 GB SSD है। इसकी भी मात्र कॉस्ट जो है ना भैया 21,000 रुपये की है। अच्छा, पीछे से दिखाना। एक्चुअली ये जो ये टेप लगाया है, इनकोटर स्टिकर लगा हुआ है। ओके, तो उसे हटाया हुआ है तो टेप लगा हुआ है। पोर्ट टाइप सी के साथ भी है, हेडफोन जैक भी है, और इस तरह BGA पोर्ट है। आप जो डेल पे बता रहे थे, ये i5 8th generation में अभी, ठीक है, 8 GB रैम, 256 GB SSD, ब्रांड न्यू कंडीशन, 5590 2018 मैनुफैक्चर है, मात्र 22,000 रुपये का लैपटॉप है। जैसे कि एप्पल के लैपटॉप है, बहुत अच्छे रेट में लैपटॉप लेके आया हूँ एप्पल के। 4i5 है, 8 GB रैम है इसमें भी, और 256 GB SSD है इनके अंदर। इसको एक बार पीछे से दिखाना। प्रोसेसर 2.5 GHz डुअल कोर इंटेल कोर i5, मेमोरी 8 GB, 1333 MHz DDR3, ग्राफिक इंटेल HD ग्राफिक्स 4000। ओके, 250 GB है, 8 GB रैम है ना? 8 GB एक्सपेंड हो जाती है इसमें? बिल्कुल हो जाती है, इसमें 16 GB सपोर्टेबल है। इसका प्राइस क्या बताया आपने? इसका प्राइस मात्र भैया जी 15,500 रुपये। इसके सारे पोर्ट्स इस तरफ दिए गए हैं ना? अच्छा, टच में बिल्कुल दिखाएंगे भैया। 4i7 8th generation है भैया, ठीक है, इसमें भी आपका 4i7 8th generation हो गया, ये देख सकते हैं, 16 GB रैम हो गई इसमें, माइक्रोन की SSD हो गई। ये मॉडल नंबर कौन सा है? लैटिट्यूड 7300 और मैन्युफैक्चरिंग है 2019। ये शायद फिंगर यहाँ पर टच काम करेगा ना इसका? फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मैंने पहले दिया था, उसमें फिंगर काम कर रहा है। आई फाइव लेके गया था ना, उसमें टच था और फिंगरप्रिंट भी था। और ये अप्रैल मंथ का भी है, जैसे यहाँ पे 24 आपको मैंने पहले ही बताया था भैया जी, एक्चुअली ना ये इम्पोर्टर के सिग्नेचर होते हैं, तो मतलब ये अप्रैल मंथ का जस्ट अभी का ही महीने का, बिल्कुल जस्ट अभी आया हुआ है, ठीक है। इसका स्क्रीन साइज कितना? 13.3। FHD डिस्प्ले है।
और चार्जिंग भी टाइप सी में, दोनों तरफ चार्जिंग है। तो यहाँ पर तीन लैपटॉप के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा लैपटॉप परचेज़ करना है डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जो पहला लैपटॉप है i7 8th generation और 16 GB रैम, दूसरा है i5 10th generation और इसकी रैम है 8 GB, और ये है i7 8th generation और इसकी रैम है 16 GB, 2400 MHz, 2667 MHz, 2133 MHz। बेंचमार्क शुरू हो गया बैटरी जो है फुल परफॉर्मेंस पे, जो भी टेस्टिंग करनी हो बेस्ट परफॉर्मेंस पे करके करें, वो वाला चार्ज हो सके तो उसका चार्जिंग कनेक्टर लगा के रखें। और फ्रेंड्स ये बेंचमार्क टेस्ट करने के लिए ना ये एप्लीकेशन आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो userbenchmark.com, और यहाँ से डाउनलोड करने के बाद इस तरह से टेस्ट कर सकते हो। ये आपको ओवरऑल बेंचमार्क निकाल के दिखाएगा, और यहाँ पर आप स्ट्रेस लेवल देख सकते हैं, CPU रैम SSD का यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन जा रहा है, और GPU में भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा यूसेज आपको देखने के लिए मिलेगा 97% तक, और यहाँ पर भी। तो रिज़ल्ट यहाँ पर इसका फिनिश हो गया पहले, जैसे यहाँ पर आप प्रोसेसर का बेंचमार्क देख सकते हैं, नीचे ग्राफिक कार्ड, यहाँ पर आप मेमोरी का देख सकते हैं, और यहाँ पर भी इसका टेस्ट रिज़ल्ट फिनिश हो चुका है जो i5 10th generation है। जैसे इसमें देख सकते हैं i7 8th generation वाले में प्रोसेसर और ग्राफिक, और यहाँ पर i5 10th generation प्रोसेसर और ग्राफिक में देख सकते हैं परसेंटेज, और ये i7 8th generation यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसर और ग्राफिक दोनों का परसेंटेज। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो परफॉर्मेंस इस लैपटॉप पे निकल कर आ रही है i7 8th generation, तो ये लैपटॉप ठीक लगा है परफॉर्मेंस के बिहाव पर। बाकी आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आपको चाहिए और क्या यूसेज आपका, जो आपको बेस्ट लगेगा वो आप इस तरह से टेस्ट करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये स्क्रीन टेस्ट करने के लिए वेबसाइट है eizo.be, जिसको मैंने पहले भी अपने वीडियोस में दिखाया, इसको बस आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और इस तरह से ये स्क्रीन टेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, और डाउन एरो की का यूज़ करके आप चेंज कर सकते हैं। ये टच में है तो यहाँ पर आप टच से इस तरह से चेक कर सकते हैं, जिसमें भी आपको रॉफ चिप लिखाएगा मतलब आप उसमें रैम अपग्रेड नहीं करा सकते, वो ऑनबोर्डेड रैम होती है, बाकी में आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं स्लॉट 1 of 2, यानी एक स्लॉट ऑक्यूपाइड है दूसरा फ्री है, तीनों परफेक्ट है अपने आप में, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका क्या यूज़ है, किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं। और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है, 14 इंच से छोटा है। ठीक है भैया, इस लैपटॉप को आप कर दीजिए इसका बिल। ठीक है भैया, इसमें भी इनवॉइस बिल में आपने क्या क्या मेंशन करा एक बार दिखाना। हाँ भैया जी, इसका डेल 7300 मॉडल नंबर है, कोर i7 8th generation, 16 GB 256 GB है, एंड ओरिजिनल अडाप्टर है, बैग है, प्लस माउस है, प्लस 3 मंथ वारंटी है। ये इसका बैग है, और इस तरह का बैग जैसे पहले मिला था, और ये वाला माउस है, ये माउस है, ये अडाप्टर, ये अडाप्टर है, और इसमें इसको एक बार ओपन करके दिखा दीजिए। इसकी वारंटी सर्विस सेंटर से, सर्विस सेंटर से वाला। ठीक है, और इसके आगे का जो रहेगा पावर सप्लाई के लिए, ठीक है भैया, ओके। तो फ्रेंड्स लैपटॉप को यूज़ करते हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, और यहाँ पर डेट देख सकते हैं 14th of May, और जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था i7 8th generation, इसका जो टच स्क्रीन है वो अभी भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब आप लैपटॉप लेते हैं ना फाइनल में, आपके उस पर वारंटी स्टिकर मेंशन होना चाहिए। और ये लैपटॉप एक्चुअली मेरा भाई यूज़ कर रहा है, तो उससे ही पूछ लेता हूँ कि उसका बैकअप उसे किस तरह का मिल रहा है, या फिर उसके अंदर कोई लैग देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर बैटरी बैकअप की बात की जाए तो कितना बैकअप लग रहा है कि आ रहा होगा इससे 3 घंटे लगभग, तो मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स, 3 साढ़े 3। और इसके अलावा इसमें कोई हीटिंग इशू या फिर कोई लैग आप देखने के लिए मिला हो कुछ ऐसा? लैग नहीं है, बस थोड़ा हीट होता है क्योंकि फैन छोटा है ना, तो हीट डिसिपेट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, और क्योंकि फ्रेंड्स समर टाइम है तो इसलिए थोड़ा हीटिंग लैपटॉप के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर CPU का यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है इस तरह से, और अगर आपका रैम का कंजम्पशन ज़्यादा नहीं है या फिर डिस्क का ज़्यादा यूसेज नहीं हो रहा है, उस वे में अगर हीट होता है तो वो हीटिंग इशू में आता है। अगर आपका CPU यूसेज ज़्यादा होता है मोर देन 50% 60%, और तब आपका हीटिंग आ रहा है नीचे की तरफ से, तब उसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि वो नॉर्मल है।
बाकी मैं इसका 3 मंथ्स की वारंटी एक्सपायर होने के बाद भी एक और वीडियो लेकर आऊँगा और फिर आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करूँगा। और इससे पहले जो मैंने लैपटॉप परचेस किए थे उनका भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं कौन सा लैपटॉप किस कंडीशन में और किस प्राइस में परचेस किया है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंसर्न आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।